उत्तर प्रदेश के मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें। मथुरा में आज पूर्व ऊर्जा मंत्री श्री कांत शर्मा ने उन छात्राओं से मुलाकात की जिनकी हालत कल अमोनियम गैस के लीक होने के बाद बिगड़ गई थी। क्या है पूरा मामला जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में बने रहिए। कल जानकारी मिली, मैं आज यहाँ बच्चियों को मिला भी हूँ, छात्राओं को, और जैसे घटना हुई तत्काल उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। लेकिन अभी भी मैंने देखा तीन बच्चियों की हालत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आज भी हम कम्फर्ट फील नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने रामकिशन में उनको यहाँ से रेफर किया है, गई हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये लापरवाही है, ये काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था। तो इसकी जाँच के लिए हम लोग लिख रहे हैं, इसकी विधिवत जाँच हो और इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो जी, ये CMO यहाँ सुनिश्चित करेंगे। और ये अभी भी जांच करेंगे कि हाँ इस तरह से कितने और रूम्स हैं जो लॉक हैं लंबे समय से, और उनमें ऐसा कोई पदार्थ तो नहीं है जिसके लीक होने से फिर दोबारा इस तरह की घटना हो। तो इसकी भी जो CMO साहब हैं ये इसकी चिंता करेंगे। और ये घटना जो हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा मैं इसको, और ये घोर लापरवाही है जी कि अमोनिया यहाँ किस तरह से लीक हुई, तत्काल बच्चियाँ प्रभावित हुई, और ईश्वर न करे उसमें किसी बच्ची की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस दोबारा से घटना ना हो इसके लिए हम माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, डिप्टी CM साहब हैं, उनको भी सर सबसे माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भी हमें लूँगा सर। लेकिन ये गैस का जो लापरवाही हो रहा था पिछले तीन दिनों से हो रहा था, तब से क्यों नहीं जाँच में सब आएगा कितने दिन से हो रहा था सर? सबसे बड़ी बात है CMO साहब भी बच्चियों को देखने के लिए अस्पताल नहीं गए, पूरा हमने इसमें लिखेंगे। रात को आए ना, सुबह जब पहुंचे नहीं सर। लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि बच्चियों को तत्काल से जो फौरी तौर पे उनको ट्रीटमेंट मिले और बच्चियां ठीक हो जाए। सर आपके आने के बाद जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कराया गया, आपके द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उन्हें प्राइवेट इलाज मिले, लेकिन इनके द्वारा क्यों नहीं किया गया अभी तक? आपके आने पर ही क्यों? देखिए ये विभाग बहुत संवेदनशील विभाग है और इसमें संवेदनशीलता दिखे इसकी भी जरूरत है जी, इसमें संवेदनहीनता ना दिखे। और ये आप सबकी दायित्व बनता है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बीमार है तो उसको इलाज मिले और तब तक मिले जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो और वो खुद महसूस ना करे कि मैं अब ठीक। डिस्चार्ज करा लिया गया उनको, यही खराब मैंने पूछताछ की है, ये भी जाँच का भी विषय है कि अल्टीमेटली इतनी जल्दबाजी क्यों हुई, क्यों उनको जल्दी वहाँ से डिस्चार्ज कराया गया। सर ये लड़कियों का छात्रावास हो देखा जा रहा है, जैसे समय वीडियो वायरल होती है, यहाँ पे बैठ करके दारू पी जाती है, यहाँ पे DJ लगा करके डांस किया जाता है, उसको लेके क्या कहेंगे सर? आपके माध्यम से ये मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है और जांच में इसको भी लिखेंगे, या कोई बाहर के एलिमेंट्स की कोई यहाँ पर एंट्री ना हो, यहाँ के जो स्थानीय जो हमारा स्टाफ है वो नियम जो कानून है उसका अनुपालन सुनिश्चित हो, इसकी भी चिंता करेंगे।